बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम शुरू करने लगे हैं जो हमने पकोड़े बनाए हैं, चेक करते हैं कैसे बने हैं। और ये खाया मैंने, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही याद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने लगे हैं पकोड़े, जिसके लिए हमने एक पाव बेसन लिया है, थोड़ा सा सूखा धनिया, अनारदाना, और ये हमने ली है पालक, आलू काट लिए हैं, 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें, वाइट नमक, दरा मिर्च और 2 प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम डालने लगे इसमें पालक, उसके बाद ये हम डाल रहे हैं सूखा धनिया और अनारदाना। अब हम डाल रहे हैं इसमें प्याज, अब हम डाल रहे हैं इसमें कटे हुए आलू, अब डाल रहे हैं इसमें थोड़ी सी सब्ज मिर्चें, 3 से 4 जो हमने काटी हुई हैं। ये हम डाल रहे हैं इसमें नमक और दरा मिर्च। अब जो है इसे जो है मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा आधे कप के लगभग पानी डाल के। ये हमने जो है सब कुछ अच्छी तरह जो है मिक्स कर लिया। अब हम डालने लगे हैं कढ़ाई में ऑयल, ऑयल को जो है वो अच्छी तरह गरम कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम जो है बेसन जो हमने तैयार कर लिया है, हमारा ऑयल बहुत ही गरम हो चुका है। अब हम इसमें डालने लगे हैं जो हमने पकोड़ों का मसाला तैयार किया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बार बना रहा हूँ, जरा अच्छे बने। ओहो, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाथ ना भी कढ़ो ते अपना हाथ भी बचाओ। ये पहली बार मैं जो है वो हाथ के साथ पकौड़े बना रहा हूँ, और बहुत ही अच्छे बनेंगे, क्योंकि इसमें जो हमने प्याज, पालक और आलू डाले हैं वो हमने थोड़ा सा ज़्यादा रखा है। हल्की आंच पे आपने बनाने हैं, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके जो पकोड़े हैं वो बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। अगर आप आंच तेज़ रखेंगे तो ऊपर से जो है वो पकोड़े पक जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। हल्की हल्की आंच पे जो है इसे 5 से 6 मिनट तक जो है वो पकाएं, तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और लजीज बनने वाले हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे जो पकौड़े हैं वो ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। हल्की आंच पे जो है ना वो पकौड़ा सही से अंदर तक पक जाता है, तो खाने वाले को भी मज़ा आता है और जो पकाता है उसका भी नाम जो है वो बन जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे पकोड़े कितने प्यारे लग रहे हैं और पक चुके हैं। अब हम इन्हें जो है वो निकालेंगे,
हाँ थोड़ी हल्की कर लें। हाँ उठे कर लो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम शुरू करने लगे हैं जो हमने पकोड़े बनाए हैं, चेक करते हैं कैसे बने हैं। और ये खाया मैंने, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आला और क्रिस्पी। ये सारा पालक और प्याज का कमाल है जिसकी वजह से क्रिस्पी और बहुत ही आला और मज़े के बने हैं। मैं यकीन करता हूँ आपको मेरी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसी और मेरी वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने मेज़बान डीजे बिलावल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।